नमस्कार, आप देख रहे हैं जनखबर। खबर देहरादून से है, जहां एनएसयूआई ने उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के आवास का घेराव किया। इस दौरान पुलिस कर्मियों ने प्रदर्शनकारियों को आवास से पहले ही रोक दिया, जिससे नाराज होकर एनएसयूआई कार्यकर्ता मंत्री से मिलने की मांग को लेकर सड़क पर ही धरने पर बैठ गए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे। घेराव के दौरान प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ तीखी नोकझोंक भी हुई। वहीं एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष मोहन भंडारी ने बताया कि सरकार की ओर से छात्र निधि का 50% पैसा उच्च शिक्षा निदेशालय को स्थानांतरित करने का फैसला लिया गया है, उसे वापस लिया जाए। साथ ही राज्य के 18 अशासकीय महाविद्यालयों के अनुदान को रोके जाने का फैसला लिया गया है, जिसको सरकार तत्काल वापस ले। इस दौरान उन्होंने जल्द मांगे न माने जाने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा यहां पर दो फैसले लिए गए हैं। पहला फैसला यह है कि जो छात्र निधि का 50% पैसा है महाविद्यालयों को, वो है उच्च शिक्षा निदेशालय को ट्रांसफर करना है, और जिसके तहत 2.5 करोड़ रुपए लिए भी जा चुके हैं और उच्च शिक्षा मंत्री उससे 4G नेटवर्क लगा के अपना प्रचार कर रहे हैं। हमारी मांग ये है कि जो 50% छात्र निधि का पैसा है वो वापस किया जाए और उनको महाविद्यालय में ही खर्च किया जाए। दूसरी हमारी मांग है कि जितने भी प्रदेश के 18 शासकीय महाविद्यालय हैं, जिनको मिलने वाली 100 करोड़ की अनुदान राशि को सरकार द्वारा रोक दिया गया है, उसका हम विरोध करते हैं। ये महाविद्यालय उत्तराखंड के सबसे अधिक छात्र संख्या वाले महाविद्यालय हैं और अगर ऐसा हुआ तो छात्रों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। शिक्षा निदेशालय का हल्द्वानी में घेराव किया था, आज हम उच्च शिक्षा मंत्री जी को मिलने आए हैं। इसके बाद हम पूरे प्रदेश के महाविद्यालयों में इसके खिलाफ अब आंदोलन चलाने जा रहे हैं। जब तक सरकार ये फैसले वापस नहीं लेती, हम लोग थमने वाले नहीं हैं। ठीक है। मांगों को लेकर आज एनएसयूआई ने धन सिंह रावत के आवास का घेराव किया है, क्या क्या विभिन्न मांगे हैं आज?